हेलो फ्रेंड्स, प्लानिंग फ्यूचर हस्से में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ पेनीवाइज की भूतिया ट्रेन और मकड़ी के बेटे चूचू चार्ल्स की स्टोरी के साथ। अब देखो गाइस, असली गेम तो अभी आया ही नहीं है, सो असली स्टोरी भी ना किसी को नहीं पता है, बट यार ट्रेलर तो आ गए हैं, सो हम ना उसी से स्टोरी निकाल लेंगे। तो गाइस यार, एक बड़ा सा आइलैंड यानी टापू हुआ करता था, जहाँ कतई प्रीशियस मेटल्स, मिनरल्स और हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या, सदियों से जमीन के नीचे दफन थे, जिन्हें देख के चार्ल्स माइनिंग कंपनी नाम की एक खुदाई कंपनी की जीभ लपलपा गई। कैसी जीभ लपलपाई? अरे गाइस यार, ऐसी जीभ लपलपाई, ऐसी जीभ लपलपाई जैसी गोबर देख के मक्खी की लपलपाती है। फिर चार्ल्स माइनिंग कंपनी ने खुदाई का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। पूरे आइलैंड में ट्रेन की पटरियों का नेटवर्क ही बिछा डाला, कई सारे बेसेस, चौकियां वगैरह भी बना दी। मतलब यार, उस आइलैंड को ना बढ़िया से लूटने लग गए थे वो लोग। कितना कमाया फिर इन लोगों ने? यार कमाया तो गजब, और भी कमा लेते, लेकिन मिस्टीरियसली एक शैतानी भूतिया स्पाइडर ट्रेन ने उधर आतंक मचा दिया। चूचू चार्ल्स नाम की एक मॉन्स्टर ट्रेन, जिसकी बॉडी एक ट्रेन है, उसके मकड़ियों जैसे पैर हैं और एक डरावना सा भूतिया सफेद मुंह है, जिसमें ना दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे डरावने से खून में लथपथ दांत भी हैं। गाइस यार, इसके दांतों और पैरों से तो ना बहुत कम लोग मरे होंगे, ज्यादातर लोगों का तो इसकी शक्ल देख के हार्ट फेल हो गया होगा। अरे ये आया कहां से, है कौन ये? गाइस यार, चार्ल्स की बैक स्टोरी तो ना अभी अच्छे से नहीं पता है, बट शायद से ना ये चार्ल्स माइनिंग कंपनी वाले इसे माइनिंग के लिए लाए थे, क्योंकि इसकी पीठ पे भी ना इनका ही लोगो बना दिखता है। अब मुझे तो लगता है ना कि शायद से ना चार्ल्स एक नॉर्मल ट्रेन थी, बट देन इस आइलैंड में ना उसके साथ कुछ भूतियापा हो गया, कोई भूत घुस गया उसके अंदर, और तब से ना ये इविल स्पाइडर ट्रेन चूचू चार्ल्स बन चुकी है। आज का सवाल, इनमें से सबसे पुराना गेमिंग क्रीपी पास्ता कौन सा है? ए हेरोब्राइन, बी पॉलीबियस या फिर सी sonic.exe? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि क्या पता जो रेंडमली कमेंट पिन हो वो आप ही का हो। अब चार्ल्स ने भुतियाने के बाद कतई आतंक मचा दिया, विलेजर्स, माइन वर्कर्स, जो दिख रहा था ना वो उसे कच्चा चबा जा रहा था, लोगों की तो फटी पड़ी थी। चार्ल्स माइनिंग कंपनी के सारे बेसिस वगैरह ना सब बर्बाद हो गए थे, सो लोगों ने ना उनपे जाके ना अपना कब्जा कर लिया। बट कई सारे माइन वर्कर्स और उस आइलैंड में रहने वाले विलेजर्स ने ना चार्ल्स को अपना भगवान बना लिया। उन्होंने ना एक कल्ट फॉर्म की, जिसमें सब लोग चार्ल्स की शक्ल वाला ये मास्क पहनते थे और चार्ल्स की पूजा करते थे। इसके अलावा ना गाइस, वो शॉटगन पकड़े रहते थे और हर रोज चार्ल्स के खाने के लिए एक असली जिंदा इंसान उसके पास भेजते थे। चार्ल्स उसे खा जाता था और इन्हें ना कुछ नहीं करता था, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। Several days later. Now guys, यार इसके बहुत टाइम बाद उस आइलैंड से इस चार्ल्स नाम की बीमारी को निपटाने के लिए ना एक बंदा जाता है। Let's call him थू। थू ना एक मॉन्स्टर हंटर था, और कभी भी कहीं भी कोई जानवर पागल हो जाए या फिर किसी मॉन्स्टर का आतंक मच जाए ना, तो थू को वहाँ बुलाया जाता था। नाउ थू को चार्ल्स की एक फोटो दी जाती है, और फिर वो यूजीन नाम के एक बंदे के साथ बोट में बैठ के उस आइलैंड की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में यूजीन कहता है कि भैया, तुम शिकारी तो बहुत बड़े हो, बट इस जैसा मॉन्स्टर ना तुमने अभी तक देखा ही नहीं होगा। नाउ आइलैंड में पहुंच के थू को चार्ल्स का आतंक देखने में ना टाइम नहीं लगता। वहाँ एक माइनिंग आउटपोस्ट के बाहर पे ना वो भूतिया स्पाइडर ट्रेन चूचू चार्ल्स बॉली रखा होता है। उसे जो दिख रहा होता है वो उस पे अटैक कर रहा होता है, फिर चाहे वो उसका सपोर्टर कल्ट मेंबर ही क्यों ना हो। अरे इस गधे में अकल वकल नहीं है क्या भाई, अपनी टीम वाले को तो मत खा। अरे गाइस यार, कोई सिंपैथी थोड़ी ना है इसे उनसे, वो तो जब तक मन नहीं था कोई नहीं तब तक उनसे कह रहा था एंजॉय करो, अब पगली गया है तो उन्हें खा के चटकारा मार के खुद ही एंजॉय कर रहा है ये। अब वो कल्टिस्ट अपनी जान बचाने के लिए शॉटगन्स चलाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, सो थू भी उधर से कल्टी होने का प्लान बना लेता है और दौड़ते हुए सीधा अपनी उस सवारी में, उस येलो ट्रेन में बैठ जाता है। लीवर खींच के ट्रेन को फुल स्पीड में भगा देता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है, सो वो ना उस ट्रेन में लगी हुई मशीन गन से चार्ल्स पर खूब सारी गोलियां फायर कर देता है
और फटाफट ना ट्रेन भगा के उधर से निकल जाता है। नाउ गाइस यार थू समझ गया था कि इस पुरानी ट्रेन और इसमें लगी हुई मशीन गन से ना उस चार्ल्स का बाल भी बाका कर पाना नामुमकिन है। सो वो मदद की तलाश में गांव की तरफ चल देता है जहां उसे कैंडिस नाम की ये लेडी मिलती है जो उससे कहती है थू, अगर तुम चूचू चार्ल्स को हराना चाहते हो तो तुम्हें खूब सारा गोला बारूद चाहिए होगा। सो हमारा थू वेपन की तलाश में लग जाता है। वो ना अबेंडेंट एरियाज यानी खंडरों में वेपन्स ढूंढता है, लोकल विलेजर्स की मदद करता है ताकि बदले में वो उसे कुछ पावरफुल वेपन दे दें, स्क्रैप मटेरियल दे दें जिससे वो अपनी ट्रेन अपग्रेड कर सके। वहाँ कैंडिस ना थू को स्टिकी बॉम्ब्स प्रोवाइड करवाती है जिसे यूज करके वो एमओ यानी गोला बारूद रॉकेट वगैरह ढूंढ लेता है। देन जॉन उसे एक रॉकेट लॉन्चर दिलवा देता है बट इस दौरान ना वो चार्ल्स नीचे ही भटकता रहता है। अब गाइस देखो चूचू चार्ल्स तो एक मकड़ी है सो वो पटरी क्या जमीन पे भी चल सकता है, लेकिन थू की पुरानी सी पीली ट्रेन तो सिर्फ पटरियों पे ही चल सकती थी। सो हर बार ट्रेन से उतर के सामान कलेक्ट करना थू के लिए एक जानलेवा टास्क हो गया था। और थू पकड़ा जाता तो चार्ल्स ने इसका तंगड़ी कबाब बना के खा लेना था। कोई नहीं गाइस, लास्ट पे ना थू ना फ्लेम थ्रोअर, रॉकेट लॉन्चर और तगड़ी वाली मशीन गन्स कलेक्ट कर लेता है। और इसके अलावा ना एक विलेजर डैरिल के जंकयार्ड से कबाड़ उठा के वो ट्रेन की स्पीड, डैमेज और आर्मर को भी अपग्रेड कर देता है। देन गाइस इसके बाद ना फाइनली थू जो होता है ना वो नॉर्थ मैन की तरफ चल देता है जहां वही शॉटगन पकड़े हुए कल्टिस्ट ना इन मॉन्स्टर एक्स को, इन जेम्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इन जेम्स का राज क्या है ना गाइस ये तो अभी पता ही नहीं है, बट जब एक गेम आ जाएगा ना तब हमें सब पता चल जाएगा। सो अगर आप वो जानना चाहते हो टाइम से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि जैसी गेम आए हम वैसी आपके लिए वीडियो लेके आ जाएं और आप मिस ना करो। अब उस नॉर्थ माइन से और ऐसी ही एक दो और माइन से शॉटगन मुर्गनों से बचते हुए थू जो होता है ना वो तीन जेम्स कलेक्ट कर लेता है और फिर उन्हें एक श्राइन सो कॉल्ड पवित्र जगह में लगा के रख देता है। और बस फिर गाइस वो चार्ल्स ना गुस्से से पागल हो जाता है, भागते भागते थू के पास पहुंच जाता है एंड फाइनली शुरू होती है दी अल्टीमेट बैटल बिटवीन थू और चूचू चार्ल्स। जिस फाइट में थू मैजिकल टूल्स और वेपन्स भी यूज करेगा ना गाइस, यार ये तो ना दिसंबर में देखने को मिलेगा, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस ये थी चूचू चार्ल्स की स्पेक्यूलेटेड भूतिया कहानी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।